गाइस वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीएच क्लासेस। स्वागत है आपका ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी साइंस की 9th क्लास है और इससे पहले की क्लासेस जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए वन लाइनर क्वेश्चंस को, और जल्द ही हम आपके लिए साइंस के क्विजेज भी लाने वाले हैं, क्विज भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। घर पर रहते हुए, सेफ़ रहते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी 9th क्लास, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की गंध व सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। इत्र की गंध या सुगंध, यानी कि हम जो फ्रेग्रेंस या स्मेल की बात करते हैं, ये जो पहचान हम लोग करते हैं कि अच्छी है या गंदी है या जैसी भी है, तो वो जो है हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट करवाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ब्रेन की। तो हम लोग पहले के क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि इस ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्रेन की स्टडी को कहते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें फ्रेग्रेंस या स्मेल के बारे में महसूस करवाता है, तो वो सेरेब्रम नहीं है, वो है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। इस मस्तिष्क के, इस ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और ये जो सेरेब्रम है वो इस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और यही सेरेब्रम जो है इस फ्रेग्रेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमें जो गंध सुगंध का पता चलता है उसके लिए जिम्मेवार है। इसी सेरेब्रम को कहते हैं मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा फोर ब्रेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कौन सा है, तो फिर आपके पास आएगा सेरेब्रम, जिसे हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एमिसिलिन प्राप्त होती है, तो एंटीबायोटिक जो हैं आपकी वो किससे प्राप्त होती हैं? बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग इस बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस धरती पर आने वाला पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला सजीव कौन सा था, तो वो भी कौन सा था? बैक्टीरिया था। और जो पहली सेल, लिविंग सेल खोजी गई थी, वो भी किसकी थी? इसी बैक्टीरिया की थी। और इसकी जो सेल थी उस पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो किसकी होती है, तो वो नाम आप लोगों को याद रखना है, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की होती है। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की होती है। इसी से रिलेटेड कुछ और बातें बता दूं, अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो वो होती है सेल्यूलोज की। किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। अगर हम लोग फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो होती है आपके पास काइटिन की। किसकी होती है? काइटिन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास कि कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा बंध बनाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, और इनके यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं।
आपने देखा होगा कार्बन क्या करता है, चार बंध बनाता है और क्या जोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। CH3 देखा होगा, C2H5 देखा होगा, C6H6 देखा होगा। तो इस तरह से ये जो कार्बन है किससे बंध बना रहा है, H से बंध बना रहा है, यानी कि H से जुड़कर ही ये सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। और इन यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है। कई बार क्या होता है कि पुराने प्रिंट जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं, तो उनको दोबारा से डेवलप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है, सोडियम क्लोराइड की कमी से, NaCl की कमी से, टेबल साल्ट की कमी से। ये तीनों एक ही चीज़ है जो हम लोग साधारण नमक घर पे यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है, और इन सब की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन नाम सुनते ही हमें लगता है हाइड्रेशन मतलब पानी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर हमारे शरीर में नमक की कमी है तो उसे क्या कहा जाएगा, डिहाइड्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक करने के लिए यानी कि पैकिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली शेल्फोन किससे बनी होती है। तो वो किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यानी कि जो टैक्सोल नाम की कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो किससे प्राप्त होती है, यू नाम का कोई पेड़ है उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक यानी कि कौन से पिगमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है, बोन ब्लैक नाम का रंजक है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसे किस नाम से जानते हैं, रियोन के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होता है, यानी कि लिफ्ट किस तरफ से किस तरफ चल रही है जिससे कि जो व्यक्ति का भार है वो ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा होगा। तो जब जो लिफ्ट है ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जब लिफ्ट चल रही है, तब जो है वो वेट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा किसी भी ह्यूमन बीइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम क्या है, प्रोटियम। फिर है आपके पास ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपके पास ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव समस्थानिक आप इसे कह सकते हैं। और ड्यूटेरियम 1H2 जो है इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों में ऊष्मा का संवाहक है तो कौन है, पारा यानी कि HG यानी कि मरकरी। इस मरकरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये धातु है लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, यानी कि द्रव अवस्था में रहती है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहने वाली, द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो वो कौन सी होगी, मरकरी होगी यानी कि HG होगी यानी कि पारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है तो तारे टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं, तो वो हमें पता है कि परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं जिनमें से तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, अपवर्तन है। और इस अपवर्तन में क्या होता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि अपने सीधे पथ पर ना चलकर इधर उधर हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, और इसी के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ
कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। यानी कि कास्टिक सोडा के साथ क्या मिलाया जाता है जिससे साबुन बनता है, तो साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए, फैट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, यानी कि वसा चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, साबुन बनता है। और ये जो साबुन बनने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकी की कुल संख्या होती है, यानी कि कुल वर्टिब्रेट्स आपसे पूछे जाते हैं तो वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि मेरुदंड में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो वो आपकी होती हैं 26। कितनी होती हैं, 26 बोन्स आपके पास टोटल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो कितनी होती है, 25% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, यानी कि ग्लूकोमा किसका रोग है, तो ये है नेत्र का यानी कि आई रिलेटेड डिजीज है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी के अंदर वर्णांधता भी कह देते हैं, ये भी किससे रिलेटेड है, आई रिलेटेड डिजीज है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मेन फ्रेम तत्व है, यानी कि जितने भी जैव यौगिक हैं उनके बनने के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है, वो कौन सा है, तो वो कार्बन है, C6 है, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, तो सबसे ज़रूरी क्या है, कार्बन है। और कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक किसके साथ बनाता है, H के साथ बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस एसिड का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं। डायनासोर क्या थे, डायनासोर एक टाइप के रेप्टाइल्स थे, यानी कि एक तरह के सरीसृप थे, और कौन से, मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो पर्णहरित के अंदर जो मुख्य धातु है वो कौन सी है, मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कोबाल्ट 60 की, तो ये क्या है, एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि रेडियोधर्मी तत्व है। कहाँ इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। अब कैंसर के उपचार के लिए आप सब लोगों ने एक नाम सुन रखा होगा, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, या नॉर्मल सी भाषा में हम लोग कह देते हैं सेके लगते हैं। तो क्या होता है कि ये जो कोबाल्ट 60 है ये उत्सर्जित क्या करता है, जिससे कि थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, अल्फा, बीटा या गामा, तीन प्रकार की रेज को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं तीन प्रकार की किरणों को। तो जिनमें से कोबाल्ट 60 क्या करता है, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, और यही गामा किरणें क्या हैं, कीमोथेरेपी में यूज़फुल होती हैं। इसीलिए कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, नॉर्मली थर्मामीटर के अंदर किसका यूज़ करते हैं, पारे का यूज़ करते हैं, यानी कि HG का यूज़ करते हैं, लेकिन किस थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल का यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का जो पैमाना है, जिसमें 40 डिग्री से कम का टेम्परेचर अगर नापना है, तो उस थर्मामीटर में क्या होगा, पारे की जगह पे अल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसे हीट देते हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो
इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि नियत रहेगा, जितना वो पहले था उतना ही वो गर्म करने पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो साउंड है उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो किस पर निर्भर करता है? आपकी जो मीडियम की प्रत्यास्थता है, कंडेंसिटी है, और उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, उस पर जो साउंड है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की स्पीड है वो किस में होती है? ठोस में, यानी कि सॉलिड में, फिर किस में होती है? लिक्विड में, यानी कि द्रव में, और फिर किस में होती है? गैस में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से इनका जो क्रम है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो वो कितना होता है? अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है समतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो इन तीनों की वजह से ही क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करता है? गामा किरणों पर, गामा रेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण है? निकट दृष्टि दोष यानी कि आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, और इस दृष्टि से, इस रोग से, दोष से सॉरी, बचने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और ये होता क्यों है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी कि हमारी आँख के अंदर जो लेंस है वो मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। और उसे दूर करने के लिए जो हम स्पेक्स लगाते हैं, जो हम चश्मा यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी, ताप घटेगा तो चालकता भी घटेगी। हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार किसका बना होता है भाई? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो कितना होता है? 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेचर में कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगर अम्लीय है तो इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? 7 से कम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बात करते हैं सीओ गैस की। सीओ गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? CO2 थी। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या है? ये क्या होती है? उदासीन होती है, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 के बराबर है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी तत्व जो है, वो स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कक्ष में रख सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को बाह्य कक्ष में रखकर वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है, वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और स्थायी होने के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में चाहिए ही चाहिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो अम्ल हैं वो लिटमस पेपर पर क्या रिएक्शन करते हैं? अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं, यानी कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है।
अमल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं, यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि अमल है या नहीं है तो क्या चेक करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू से पता चला कि अमल है या क्षार है, तो पीएच वैल्यू है क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या जरूरी है, हाइड्रोजन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली चीज, भस्म किसको बोलते हैं, भस्म बोलते हैं क्षार को या फिर इंग्लिश में बात करें तो बेस को। तो क्षार क्या इफेक्ट डालते हैं लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया स्लाई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लीजिए वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, साबुन बनेगा किससे, कास्टिक सोडा और फैट से, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेपोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। हमारा जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसल्स, जिसमें से प्लाज्मा कितना है 55% और कॉर्पसल्स कितनी है 45%। तो इसने हमसे क्या पूछा, प्लाज्मा पूछा, तो वो कितना होगा, 55% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो हम लोग जो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और यही सांस जब अंदर जाके जो भी प्रोसेसिंग करती है, तो उस पूरे रेस्पिरेशन से क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो रिज़ल्ट के रूप में निकलती है एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन हमें किसकी फॉर्मेशन करता है, एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है। अब यही क्वेश्चन उसने थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, पहले उसने क्या पूछा कि श्वसन में क्या बनता है, तो एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी बनती किससे है। हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का फ्यूल यानी कि ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को, यानी कि हमें एनर्जी तो कौन देता है, ग्लूकोज देता है। तो ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। अम्लीय माध्यम से होता है, क्योंकि अमाशय में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो पाचन है फूड का वो किस मीडियम में, अम्लीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है। दो किडनीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो किडनियां हैं, और जिनमें से प्रत्येक का भार कितना है, 140 ग्राम है, और इस किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रोन होती है, बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौबीस घंटे में मनुष्य लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है। हार्मोन का क्या कार्य है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और इन हॉर्मोन्स का काम क्या है, हमारी बॉडी में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को यानी कि केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी सतह पर होते हैं। तो राइबोसोम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसे कहते हैं ER। ये ER दो तरह की होती है, एक होती है SER और दूसरी होती है RER। SER का मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
SCR स्मूथ है, यानी कि इसके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं होगी, इसका मतलब इस पे तो राइबोसोम होंगे नहीं। RER रफ है, यानी कि कुछ ना कुछ खराबी इसके रास्ते में ज़रूर होगी, यानी कि राइबोसोम इस पर प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों में से पूछा जाए तो कहाँ होंगे, RER पर, लेकिन अगर सीधा ही पूछ ले तो कहाँ होंगे, तो कहाँ होंगे ER पर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को, इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, किसके नाम से, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र किसको कहते हैं, मेरुदंड को कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी, या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, वो है न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन है, यानी कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, इस न्यूरॉन पर डिपेंड करता है, और इसी न्यूरॉन को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, या एनिमल किंगडम की जो सबसे लंबी कोशिका है, वो कौन सी है, न्यूरॉन है, और यही न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उससे कितनी नर्व्स निकलती हैं, तो वो हैं 31 नर्व्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। तो इसी तरह आगे की क्वेश्चंस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल BH क्लासेस के साथ, ताकि आप लोग घर पे रहते रहते ही आपकी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।